Hello and welcome to History Through Question. Now, आज का जो टॉपिक है, it's an additional topic और additional information है regarding Anglo-Afghan relation. Okay? स्टार्ट करते हैं. तो एंग्लो अफगान रिलेशंस में क्या था ना, वेरियस पॉलिसीज एडवोकेट की थी वेरियस गवर्नर जनरल्स ने और वाइसरॉय ने. ठीक है, तो उनको हम देख लेंगे, उनका रेलेवेंस क्या है. ठीक है, और ऐसे पूछ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है ये किस गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय से रिलेटेड है, इन मैच द फॉलोइंग में. ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एंग्लो अफगान रिलेशंस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉलिसी से, जो कि है फॉरवर्ड पॉलिसी. फॉरवर्ड पॉलिसी, और ये है लॉर्ड ऑकलैंड की. लॉर्ड ऑकलैंड की जो कि आए थे एज ए गवर्नर जनरल इन द ईयर 1836 में, और इन्हीं भाई साहब ने एडवोकेट करी थी ये फॉरवर्ड पॉलिसी. एज अ नेम सजेस्ट फॉरवर्ड पॉलिसी, तो सम सॉर्ट ऑफ हमें एक आइडिया मिल जाता है किस तरीके की ये पॉलिसी होगी. तो एज ए रिजल्ट उन्होंने क्या एडवोकेट किया था कि जो कंपनी की और बेसिकली जो कंपनी गवर्नमेंट है इन इंडिया, वो खुद ही दैट इज द इटसेल्फ उसको टेक इनिशिएटिव्स, वो खुद इनिशिएटिव्स ले. अब ये इनिशिएटिव क्या की लेगी, टू प्रोटेक्ट, कि कैसे प्रोटेक्ट हो पाए बाउंड्रीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया की. ठीक है ना, तो खुद ही इनिशिएटिव्स लेने हैं प्रोटेक्ट करने की, कैसे जो ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्रीज है उसको प्रोटेक्ट कर पाए. अब ये किससे प्रोटेक्ट कर पाए, देखो हम एंग्लो अफगान की बात करेंगे तो आपको एक माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये क्यों था. इट इज बिकॉज ऑफ प्रोबेबल रशियन अटैक. ठीक है, तो रशियन इन्फ्लुएंस से. ठीक है, तो इससे वो प्रोटेक्ट कर पाए, ये फॉरवर्ड पॉलिसी एडवोकेट की थी. अब ये जो इनका ऑब्जेक्टिव था कि प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज की फ्रॉम रशियन, तो ये कैसे अचीव होगा, तो इन्होंने एडवोकेट किया था कि या तो आप वेरियस ट्रीटीज साइन करो थ्रू ट्रीटीज, और ये ट्रीटीज किसके साथ साइन करोगे आप, विथ नेबरिंग कंट्रीज से. और अगर ट्रीटीज नहीं साइन हो पाती हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो आप क्या करोगे, तो आप उनको एनेक्स कर लोगे, नेबरिंग कंट्रीज को कम्प्लीटली, एनेक्सिंग दम कम्प्लीटली. जब आप ऐसा कर लोगे तो उनकी जो भी एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उस पर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा, और इस तरीके से आप रशियन अटैक को क्या कर पाओगे, रिपेल कर पाओगे. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने देखा है कि जब हमने एंग्लो अफगान रिलेशंस किए थे उसमें ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन करी गई थी, और ये जो ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन करी गई थी ये करी गई थी इन द ईयर 1839 में, और इसमें मेजर पार्टीज कौन थी, एक तो ब्रिटिश थे, दूसरे सिक्स थे, और उसके बाद शाह सुजा थे जो कि अफगान के थे. ठीक है ना, तो इस तरीके से ट्रीटीज साइन करी गई थी. नाउ ये तो हो गया आपका फॉरवर्ड पॉलिसी बाय लॉर्ड ऑकलैंड. अब हम दूसरी देखते हैं कि जॉन लॉरेंस की पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी है मास्टरली इन एक्टिविटी. ठीक है ना, जॉन लॉरेंस जो थे ये आपके एक्टिव थे 1864 से लेकर 1869 तक. ठीक है, अब मास्टरली इन एक्टिविटी, तो हमें क्लू मिलता है कि इनकी पॉलिसी में क्या होगा. ठीक है ना, अच्छा ये जो पॉलिसी इन्होंने एडवोकेट करी थी ये एज अ रिएक्शन था, और ये रिएक्शन कैसे था, रिएक्शन था जो कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में इनकी डिजास्टर फेस किया था ब्रिटिश ने. ठीक है, काफी ज्यादा बुरा वो हारे थे. ठीक है ना, तो इसका ये रिएक्शन था. ठीक है ना, एक तो ये कॉज हो गए, दूसरा था सर प्रैक्टिकल या कॉमन सेंस की बात थी कि अगर फोर्सफुली सब कुछ सेटल नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके की पॉलिसी बनाओ जिससे जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो. तीसरा रियलाइजेशन ऑफ
फ्रंटियर्स प्रॉब्लम, रियलाइजेशन ऑफ फ्रंटियर प्रॉब्लम, कि जो फ्रंटियर्स हैं उनकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको पहले सेटल कर लो और आप अल्टीमेटली आपको ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ था कि अफगान एफर्ट्स फॉर इंडिपेंडेंस, अफगान एफर्ट्स फॉर इंडिपेंडेंस, जो अफगान था वो नहीं चाहता था कि उसको कोई एनेक्स करे या उसको कोई कंट्रोल करे, और बेसिकली अफगान वॉन्ट टू रिमेन इंडिपेंडेंस, तो ये भी एक रीजन था, ठीक है ना। अच्छा, इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है कि जॉन लॉरेंस की जो पॉलिसी थी मास्टरली इनएक्टिविटी, तो क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो दोस्त मोहम्मद थे वो डाई हो गए थे और बेसिकली मर गए थे इन द ईयर 1803 में, लेकिन ब्रिटिश ने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया था इन वॉर ऑफ सेसेशन, जो उनके बाद के जो बैठेंगे अमीर, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, ये जो पॉलिसी थी जॉन लॉरेंस की मास्टरली इनएक्टिविटी, ये टू कंडीशंस पे डिपेंड करती थी, तो इसकी भी टू कंडीशंस थी। अब ये टू कंडीशंस कौन सी थी, फर्स्ट थी कि पीस एट अ फ्रंटियर वॉज नॉट डिस्टर्ब, कि सर जो पीस है विद फ्रंटियर टेरिटरी से या फिर फ्रंटियर कंट्री से वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, नॉट डिस्टर्ब एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना। सेकेंड, जो मेन पार्टी है दैट इज, ऐसे दो पार्टी से, एक ब्रिटिश हो गया और एक अफगान हो गया, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में कोई भी ये पार्टी जो है, इन दोनों मेजर पार्टी, ये थर्ड पार्टीज के पास नहीं जाएंगी सीकिंग फॉर फॉरेन हेल्प, यानी कि अगर जो अफगान है वो रशिया के पास नहीं जाएगा हेल्प करने के लिए, तो ये भी एक टू कंडीशंस थी मेन इसकी, इस पॉलिसी को एप्लीकेबल करने में, ठीक है। तो मेन पार्टी और मेजर पार्टीज नॉट सीकिंग फॉरेन हेल्प, फॉरेन हेल्प, ये हो गई आपकी जॉन लॉरेंस की मास्टरली इनएक्टिविटी। लास्ट है लॉर्ड लिटन की पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ठीक है ना, लॉर्ड लिटन की पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ठीक है ना। अच्छा, इनके बारे में थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लो। जो लॉर्ड लिटन थे ना, वो नॉमिनी थे आपके कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के, ठीक है ना, जो कि था अंडर बेंजामिन डिसराइली, ठीक है, और 1874 से 80 तक थे। ये वाइसराय भी बने थे ऑफ इंडिया के 1876, ठीक। अच्छा, इनकी जो पॉलिसी थी दैट इज द प्राउड रिजर्व, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था और एम क्या था, तो सर इसका ऑब्जेक्टिव था हैविंग साइंटिफिक फ्रंटियर्स, कि साइंटिफिकल फ्रंटियर्स दैट इज द लॉजिक होना चाहिए फ्रंटियर्स को आपका एस्टैब्लिश करने में, ठीक है ना। दूसरा था इनका सेफ गार्डिंग स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जितना भी इन्फ्लुएंसिंग का रीजन था दैट इज जो ब्रिटिश के अंडर में जो होल्ड था वो, उसको सेफ गार्ड करना, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को सेफ गार्ड करना, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या हुआ, इसमें जो लॉर्ड लिटन थे दे वर अंडर द इंप्रेशन दैट जो रिलेशंस हैं, जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस हैं, दैट इज जो रिलेशंस विद अफगान है, रिलेशंस विद अफगानिस्तान और अफगान, वो एम्बिग्यूस नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, नो और नॉट एम्बिग्यूस, ठीक है ना। बेसिकली उसको एम्बिग्यूस लेफ्ट नहीं करना है, प्रॉपरली डिफाइन करना है, तो ये आपकी लिटन की पॉलिसी के अंदर में था दैट इज ऑफ प्राउड रिजर्व। तो ये वेरियस पॉलिसीज थी, फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड, जॉन लॉरेंस पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी एंड लिटन पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। तो ये मैथ्स का कॉलम में आ सकता है, दैट इज व्हाई मैंने इसको आपका मेंशन कर दिया है। तो सो इस वीडियो में इतना ही था। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे।